क्या नजारा है गुरु, नजारा ओहो। टिक 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 कुची कुची। तो गाइस ये है राजू। चढ़ जा हडिम्बा देवी टेंपल, जय माता दी। जो गूगल वाली आंटी हैं वो तो यही बता रही हैं 2.1 किलोमीटर है। यहाँ ना कुछ दुकानदार यार बहुत अजीब हैं। जलेबी ली थी, एक सड़ी हुई जलेबी दी उसने, बहस कर रहा है साला ऊपर से। सही बता रहा हूँ, इतनी गुस्सा आती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। और कल रात में हम लोग मनाली आ गए थे बाइक से, बहुत ही मज़ा आया राइड करने में, बहुत औसम नज़ारे मैंने देखे हैं। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो। और आने के बाद एक कांड हो गया था, मतलब होटल मैंने पहले से बुक करा के रखा था बट उन्होंने चेक इन डिनाई कर दिया, तो इस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। बट एक घंटे के अंदर मेरा इशू जो है वो सॉल्व कर दिया था गो आईबीबो ने। मतलब क्या हुआ कि मैंने उनको कॉल किया, कस्टमर केयर पे बताया कि उन्होंने चेक इन डिनाई कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, मतलब मेरे लिए दूसरा होटल अरेंज करा दिया विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना। तो ओवरऑल मतलब मुझे चेक इन मिल गया था नए होटल में, तो हम लोग रात में आके बहुत थक गए थे इसलिए मैंने शॉट नहीं लिया। और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, मेरी जानू भी तैयार हो गई है। हाय बोलो। हाय। और ये वाला जो नया रूम है ना, मतलब जो नया होटल है, ये इसका रूम बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा लगा। स्पेशियस क्या ठीक है ओवरऑल। ये बेड है, यहाँ पर कुछ पेंटिंग पुंटिंग बनी है पहाड़ों के साथ, और ये सारा सामान फैला हुआ है, और ये मेरा प्यारा सा हेलमेट। और छोटू कैसे हो, ठीक हो? ये भी राइड करके आया वैसे तो, है ना। और ये मेरा कैमरा वाला बैग, अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी तो ये बैग कुल्लू में रह गया था और भगवान की दुआ से मुझे वापस मिल गया है, थैंक यू सो मच भगवान जी। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपना वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम, यहाँ पर उन्होंने नहाया धोया है, पूरा गीला गीला हो रखा है, वैसे गीजर भी लगा हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, स्पेशियस भी है, अच्छा है। तो पूरे बाथरूम में ये नाच के ना आए। अरे यार, तो ये सारा ये मिरर ये सब ये भाई देखो, जो नाच के नहाने का जो मजा है वो एक अलग है गुरु। और पता है मैं नहा रहा था, मतलब गर्म पानी खत्म हो गया गीजर का, वरना मैं और देर तक नहाता। शुक्र है भगवान का। तो चलो अच्छा, फिर अभी हम लोग रेडी भी हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल और वशिष्ठ टेम्पल भी जाएंगे। पहले जाएंगे यार ब्रेकफास्ट करेंगे, रात में भी खाना हम लोग ने नहीं खाया क्योंकि बहुत थक गए थे, इनका मन नहीं था, बाहर ठंड थी, तो जो पोहा लाए थे घर से वो रात में खा के सो गए थे चाय के साथ। और अभी जा रहे हैं बढ़िया मस्त सा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद घूमेंगे और आप लोग को भी घुमाएंगे। तो रेडी हो जाओ सब लोग, छोड़ू नहीं, आप लोग छोटू नहीं हो, ये छोटू है। ओए ओए, ये कोई ये मेरी जैकेट है, पता है ना। तो क्या कह रहे पंचिंग पे आ गई है। हाँ हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं और दोबारा आना पड़ा था रूम में क्योंकि बाइक की चाबी भूल गए थे। तो गाइस ये खड़ी है हमारी बाइक, ओहो बड़ी गंदी हो गई है यार। और ये है होटल शांति रेजिडेंसी, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हैं। अटल टनल मैं परसों जाऊँगा, सोलांग वैली मैं कल जाऊँगा। यप। ये लेडीज़ लोग बहुत ड्रामेबाजी करते हैं, इनको लाना नहीं चाहिए, पीछे पड़ जाते हैं कि चलो हम भी चोलेंगी हम भी चोलेंगी। चलो भैया फाइनली होटल से निकल गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी कुछ रह गया हो तो वापस जा सकती हो जानू, अभी भी कुछ बचा हो तो जा सकती हो तुम। ये है मनाली की पार्किंग, पेड पार्किंग है, और सामने ओहो हो क्या नज़ारा है, पहाड़ दिख रहे हैं मस्त, इधर से पेड़ लगे हुए हैं। पहले अपने आप को मतलब सॉरी मेरी बाइक को तेल मांगता, तो पहले तेल डलवाने का उसके बाद हडिम्बा देवी टेम्पल जाएंगे। ये आ गया पेट्रोल पंप, देखें यहाँ पर कितना चल रहा है। गाइस इतिहास में पहली बार आज पेट्रोल वालों ने मुझे 5 रुपये 62 पैसे का तेल फ्री दिया है, बहुत बड़ी बात है ये, पता है तुम्हें है जानू, आवाज़ आ रही है मेरी,
आज मैंने फ्री तेल ले लिया 5 रुपए 62 पैसे, पूरे 5 रुपए भाइयों, गौर से सुनिए, गौर से, समझ रहे हैं ना। हाँ अब चलते हैं मस्त। ओ बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है गुरु। ये है पूरा मनाली, मनाली मनाली उड़ी बाबा। अबे यार यहाँ से मुझे इधर मुड़ना है। अच्छा इधर मुड़ना है, इधर जाने का। चढ़ जा चढ़ जा। हडिम्बा देवी टेंपल, जय माता दी। हडिम्बा देवी टेंपल तक लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, ऐसे ही चलना पड़ेगा हमें। स्लोली 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 चढ़ जाओ। बाइक का ये फ़ायदा यार, पैदल नहीं आना पड़ा। यार बहुत ख़तरनाक वाली रोड है वो, देख रहो पहिया उसमें चला गया ना एक बार, तो यहाँ पर लग जाने हैं। ओ माय गॉड, भैया जिसको अच्छे से कार चलानी आती है वही लेके आए है ना। अगर उसमें पहिया चला गया ना गलती से भी तो काम लग जाना है, फिर खड़े रहो आप। हडिम्बा देवी टेंपल जैसे जैसे पास आ रहा है, ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। यार बर्फ़ नहीं मिली, लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तब हडिम्बा देवी टेंपल में बहुत बर्फ़ मिली थी यार, मतलब चलना मुश्किल हो गया था। मैं तो इधर से जा सकता हूँ, अपने तो बाइक वाले हैं। धूल उड़ा रहा, मैंने लेंस पहन रखा है और चश्मा भी नहीं पहना है, तो मैं वाइज़र को बंद कर लेता हूँ वरना डस जाएगी। अब यही है, यू टर्न है यहाँ से फिर चढ़ाई है। बस आ गया, मुझे याद आ गया, याद आया हडिम्बा देवी टेंपल। ओह माय गॉड, पानी था यार, बच गया नहीं, जूता पानी में चला जाता। हाँ यार बर्फ तो नहीं मिली, सोलांग में मिलेगी बर्फ। पार्किंग तो नहीं मिली, पेड़ वाली आगे है शायद, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लगा दी मैंने, पार्क कर दी बाइक को, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे। पराठा और चाय कैसी है? पराठा चाय। बाइक पार्क कर दी है, अब मस्त पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद हडिम्बा देवी टेम्पल बगल में ही है वहाँ पर जाएंगे। कुछ खाया नहीं है ना, खा पी लेंगे तो एनर्जी सी आ जाएगी। इसको बहुत लो लो फील हो रहा है, मैं तो ठीक हूँ। हो गई है हमारी एंट्री हडिम्बा देवी टेंपल में। ये दिख नहीं रही है, रैबिट रैबिट पकड़ के फोटो ले लो, 50 रुपए में 50। यार मैं पहले जब आया था तो बर्फ़ मिली थी तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, और बिना बर्फ़ के ना मज़ा नहीं आ रहा है क्या। या हर थोड़ी देर में खरगोश और पता नहीं क्या है, क्या क्या लेके घूम रहे जानवर, सफेद बकरी, काली बकरी, और यहाँ याक भी है, और ये देखिए कबूतर भी आ चुका है यहाँ पर, ओ छोटू। तो मतलब ड्रेसेस पहना के मतलब हर तरीके से पैसे कमा लेने, 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। अजगर तो ले सकते हैं, अजगर तो खोल दो यहाँ पे भाई, जिस हिसाब से लोग घूम रहे हैं जू से कम नहीं है। अभी तक मनाली वाला फील नहीं आया यहाँ पे आके हमें। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे स्नो देखी थी लास्ट टाइम, तो मैंने भी स्नो है ही नहीं, अभी खत्म हो रखी है, है नहीं तो इतना क्या फायदा, मजा नहीं आ रहा है अभी। बट ठीक है, अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, कूल कूल है, ठंडा ठंडा। मार्केट है छोटी मोटी, और इस पर बैठ के भी आप फोटो करा सकते हैं, ओनली 50 रुपए। हेलो, ये मैंने खरीद लिया है बाइक पे लगाने के लिए, तो इसको लगा देते हैं, यहाँ लगाना पड़ेगा गाइस। ये देखिए मैंने बांध दिया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है फाइनली। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये लेने को, आज बांध दिया। तो बताइए ये कैसा लग रहा है, मस्त है ना, मस्त मस्त मस्त। चलो बैठो मैडम,
अब हम लोग चलेंगे वशिष्ठ टेम्पल। तो हम लोग आ गए हैं नीचे नीचू। यहाँ से वशिष्ठ टेम्पल दिखा रहा है 2.7 किलोमीटर, अप्रॉक्स हमें 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो चलते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तब भी मैं वशिष्ठ टेम्पल नहीं जा पाया था, मतलब मुझे शायद पता नहीं था। जल्दी जल्दी नहीं रहती है, हमको लगा स्पेस है तो हम निकाल लेते हैं। गाइस ये है बीज रिवर, क्या मस्त फ्लो है, ग्रीन ग्रीन सा पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल 24 किलोमीटर, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। वो देखिए सामने है बर्फ के पहाड़। यार मैं सही जा रहा हूँ वशिष्ठ टेम्पल के लिए कि कुछ और ही रास्ता है ये? हाँ यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो गूगल वाली आंटी हैं वो तो यही बता रही हैं 2.1 किलोमीटर है। एक बार यार किसी से कंफर्म कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, है ना। क्या नज़ारा है गुरु, नज़ारा ओहो। पूछ लेते हैं भैया वशिष्ठ टेम्पल ऊपर है? ओके, मतलब गूगल आंटी सही बता रही हैं। कहाँ जा रहा भाई? चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, निकल गए। बहुत धूल है यार। अरे यार ये तो ढलान खत्म ही नहीं हो रही है। चलो भाई यार बहुत खतरनाक रास्ते हैं कसम से। बस 200 मीटर की दूरी पे है अपना टेंपल। ये सारी मार्केट्स हैं, टोपी ले लो। अरे डॉगी आ गया, कुछ ही। ये वशिष्ठ टेम्पल आ गई है, बाइक कहाँ खड़ी करनी? ये कौन सा है भाई? आगे पार्किंग नहीं है भाई? पार्किंग भी है, यहाँ था वो बोर्ड ना, वो हमने हटा। अच्छा पार्किंग ही है, ओके चलो भाई। ये पार्किंग है, ओ खतरनाक पार्किंग है भाई, बाय गॉड। यहाँ लगा दूँ? कौन सी जगह पार्किंग है भाई इसकी? बाइक तो लगा दी है, बोल रहे हैं 40 रुपए की पार्किंग है भाई। किस हिसाब से पार्किंग 40 रुपए की? दिखाना पर्ची। ओफो, मतलब देख रहे हैं मोटरसाइकिल स्कूटी 40 रुपए, क्या बात है भाई। गाइज हम लोग आ गए हैं वशिष्ठ टेम्पल और यहाँ पर क्या ही बोलूँ, क्या माहौल है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को टेम्पल। अभी तो मैं गया था वॉशरूम, उसका भी 5 रुपये, ओनली 5 रुपीज़। पैसे दीजिए हल्के होके, कल्टी हो लीजिए। सामने दादा खड़े हैं, सुन रहे हैं मेरी बातें, उन्हीं को 5 रुपये दिए थे मैंने, समझ रहे हैं आप? समझ नहीं रही है। इसका नाम क्या है बताइए? राजू। राजू बन गया, जेंटलमैन मिल चुका है। 20 रुपए में फोटो खिंचाएंगे हम लोग। ये देखो राजू सोच रहा है क्या करवा रहे हैं मुझसे, है ना। कुछ ही। सुनो। गुस्सा हो रहा है राजू, गुस्सा हो रहा है। अरे टिक 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 टिक, कुछ ही। तो गाइस ये है राजू। राजू बन गया जेंटलमैन, मस्त लग रहा है वैसे, क्यूट सा है बड़ा। वशिष्ठ टेम्पल घूम लिया हम लोगों ने, मतलब दर्शन कर लिया, बाहर से ही किया वैसे। यहाँ ना कुछ दुकानदार यार बहुत अजीब हैं,
जलेबी ली थी एक, सड़ी हुई जलेबी दी उसने। बहस कर रहा है साला ऊपर से। पहाड़ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। उधर देखिए धूप आ रही है हल्की हल्की, इधर तो छांव हो गई पूरी। असली मजा मनाली घूमने का बाइक से ही है। ये सारे नज़ारे आप लोग को देखने को मिलेंगे। जब पिछली बार मैं बस से आया था तो यार मज़ा तो आया था, नो डाउट, बट ये सब जो नज़ारे होते हैं ना, ये आप मिस कर देते हो। चढ़ जा, चढ़ गई चढ़ गई। टिक 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 टिकू। भाई लोग आ गए हैं हम अपने होटल में, उड़ी बाबा। गाइस अभी हम लोग गए थे मॉल रोड, वहाँ पर मस्त घूम टहल के खाना भी खा लिया, डिनर भी हो गया हम लोग का। और मैं दो चीज़ ये परचेज करके लाया हूँ, आई लव मनाली और एक ये छोटा सा कीरिंग। मॉल रोड पे ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सब कुछ ही कॉस्टली है, खाना भी सब कुछ, यार मतलब क्या ही बोलूँ। फिलहाल तो खाना ना हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, और कमेंट करो यार, कुछ भी कमेंट करो, क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।